ये देखो आज गाड़ी कौन चलाएगा, सिम्बा द ग्रेट। तो गाइस सिम्बा भी मुझे घर छोड़ेगा। सिम्बा बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है, बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है। ओटीपी बताओ। अभी ये गाड़ी वाले के पास आए हैं हम। असल में कहना है गाड़ी का लॉक अंदर से ख़राब हो गया, खुल नहीं रहा था ये। अभी दिखाता हूँ ये, तो लॉक भैया ठीक कर रहे हैं। अपने वहाँ देखा मैंने गाज़ियाबाद में, लेकिन वहाँ तो मिला नहीं, तो दिल्ली का चक्कर लगा तो सोचा यहीं से करा लेता हूँ। अब टूटिया क्या है? तो सही है। तो कुछ जुगाड़ करके देख इसको। तो नहीं आपके पास ये वाला है भाई? ये तो पूरा वो आएगा, ये पूरा चेंज होगा। नहीं नहीं ये निकल जाता, अलग होता है। नहीं ये पार्ट चेंज होगा, ये वाला, ये पूरा पार्ट चेंज होगा। हाँ। क्या बोलते हैं उसको, अंदर का हैंडल? अंदर का हैंडल अंदर से नहीं खुलता, वो तो बोलते हैं ये है ना, ये देखो सामने। ये लॉक में से निकलेगा, ये लॉक में से निकलेंगे, ये निकल जाएगा अलग, फिर ये तार, ये पूरा पार्ट चेंज होगा। तो क्या खर्चा बढ़ जाएगा इसके अंदर? ये पहले तो पता करना पड़ेगा आता है कि नहीं आता। भाई है, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। ये भाई दिलीप कुमार है, ये इनकी शॉप है आशियाना कार के। और भैया एक नंबर का काम करते हैं, मतलब मैं इनसे इनके पास अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ हर समय, इन्हीं के पास लेकर आता हूँ, बहुत बढ़िया काम करते हैं। अभी मैंने इनसे भी केदारनाथ जाने से पहले करवाई थी गाड़ी वॉशिंग वगैरह, पता नहीं और भी बहुत कुछ करवाया था, सारा इन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया, सारा कुछ कर दिया। इनका मैं कार्ड है, मैं वीडियो में दिखा दूँगा, तो जिस किसी को भी इनके पास आना हो तो इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ये भैया ने पूरा ही बोर्ड निकाल लिया। भैया पॉलिश दिखा दो। डैशबोर्ड की चाहिए, गाड़ी की वैसी चाहिए? गाड़ी की बॉडी पॉलिश। हाँ बॉडी पॉलिश, ये बढ़िया शाइन आ जाए जिससे। हाँ, एकदम ऑटोमेटिक है, बाइक पे भी काम आ जाए, बढ़िया चीज। और वैसे अगर 3M की लेनी है तो 3M की मिल जाएगी। ये 3M की है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? वैक्स पॉलिश है दोनों, ये क्रीम में है ज्यादा, इसकी शाइनिंग ज्यादा आती है इसमें। अच्छा इसकी शाइनिंग ज्यादा है और ये वैक्स में है। ये हाँ, ये लिक्विड में है, ये वैक्स में। अच्छा शाइनिंग इसकी ज्यादा है। कितने का ये? 190। और ये 110। 110 का मेघालय एक बार ही में खत्म हो जाएगी ये? नहीं सही चल जाएगी। अच्छा कौन सी लूं मैं, यही ले तो भैया करे, यही बढ़िया। 3M की बेस्ट है। ये बाइक पर लग जाएगी ये? हाँ हाँ चलो। ये तो मतलब वो है कि ऐसे लिक्विड में ड्रॉप करके डाल दो फिर साफ कर लो कपड़े से, है ना? हाँ हाँ हाँ। एक गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा भी लो, उससे मट्टी डस्ट नहीं जमती। लिया था शायद आपने? नहीं लिया था ना? हाँ डस्ट है पड़ा है वो। हाँ वो कपड़ा जो आप बता रहे हैं अच्छी चीज नहीं है वो? बहुत बढ़िया है वो, बहुत बढ़िया। तो भैया कह रहे हैं ये पूरा लॉक चेंज होगा, ये अब कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, जुगाड़ू तो है ही हम लोग। ये ना अगर जुगाड़ हम करेंगे ना ये मिलेगा, बहुत मुश्किल मिलेगा, रेयर चांस है तो मिलेगा। अच्छा शोरूम पे भी नहीं मिलेगा? नहीं ये पूरा, ये पार्ट चेंज होगा ये पूरा। तो कितने का पड़ जाएगा शोरूम पे ये? तो मायापुरी जल्द ले लोगे तो बेस्ट। मायापुरी असल में हम तो शिफ्ट हो गए यहाँ से, पहले तो यही रहते थे। हाँ। अब गाजियाबाद चले गए। हाँ हाँ। तो ये भैया का कार्ड है, भैया की दुकान का, भैया का नाम दिलीप है, दीपू। तो कुछ भी काम कराना हो तो भैया को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये ऑटो फोकस क्यों हो रहा है ये? हो गया भैया। तो भैया ने भी कुछ जुगाड़ किया है अभी,
अब देखते हैं कि ये काम करेगा नहीं करेगा, वो तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। अभी अभी ना जुगाड़ू काम कर दिया, नहीं तो कह रहे ये पूरा लॉक चेंज होगा। हो गया। अरे यार ये भी लगा दो, ये दोनों निकल, पतली बार बार निकल जाते हैं दोनों। ये भी हनुमान जी भी है। सच में हम इंडियन कितने जुगाड़ू होते हैं, हैं? हमारे पास हर चीज का तोड़ है। अब सही हो गया, बस अब हल्के हल्के हाथों से करना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना, नहीं तो भैया कह रहे हैं कि पूरा लॉक चेंज हो गई है और ये मिलना मुश्किल है। बाकी देखते हैं, पता करते हैं, मिलता है नहीं मिलता। अभी रुके हैं यहाँ पे, मम्मी गई है कुछ सामान लेने के लिए, 7 बज चुके हैं। अभी 2 काम और हैं, उसके बाद मुझे तो लग रहा है आराम से अभी यहाँ पे फ्री होते होते लग जाएंगे, 8 बज जाएंगे, 8:30। फिर उसके बाद 1.5 घंटा घर पहुँचने में लगेगा, वही 10:30 तक मैं घर पहुँचूँगा। फिर उसके बाद मुझे अपना वीडियो एडिटिंग करनी है, व्लॉग एडिट करूँगा आज का। अब आज का व्लॉग तो रात को ही आएगा, ये वाला जो व्लॉग है ये कल आएगा, क्योंकि अभी एक पेंडिंग व्लॉग है उसको जाके एडिट करूंगा, फिर रात को उसको डालूंगा, फिर ये वाला व्लॉग जो है मैं कल डालूंगा। अच्छा मैं ना आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि आज जब हम घर से निकल रहे थे ना, तो लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि सिम्बा रो रहा था, सीरियसली रो रहा था। मतलब एक होता ना कि कहने वाला रोना और एक होता सही में रोना। मतलब उसको सही में रो ही रहा था। मैं नीचे गाड़ी साफ कर रहा था तो उसके ऊपर से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो कुछ ज़्यादा ही अटैच हो रखा है मेरे से और मम्मी से। अब तो मम्मी से भी अटैच हो गया, भाई से उसकी कम अटैचमेंट है क्योंकि भाई थोड़ा उस पर कम ध्यान देता है, प्लस उसका ऑफिस भी रहता है। लेकिन मुझसे तो कुछ ज़्यादा ही अटैच है वो, मुझसे और मम्मी से। आज तो मतलब हैरान ही हो गया, लिटरली वो रो रहा था। सच में मानना पड़ेगा, ये तो आज मैंने देख लिया, अभी तक तो मैंने सुना ही था, ये तो मैंने देख भी लिया कि जानवरों के भी इमोशंस होते हैं। हमें लगता है कि जानवर है इसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एनिमल्स की भी फीलिंग्स होती है, उनमें भी इमोशंस होते हैं और वो सीरियसली एक्सप्रेस भी करते हैं उसको। अभी जब घर जाऊँगा तो बड़ी तेज मेरे को देख कर तो पहले आगे पीछे कूदेगा, दुम हिलाएगा, बड़ा प्यारा बच्चा है वो। अभी मैं रुका हूँ ये मलाई चाप खाने के लिए, कसम से बहुत टेस्टी है ये मलाई चाप, बहुत ज़्यादा मुझे बड़ी पसंद है मलाई चाप यहाँ की। अभी मैं समय हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी और जस्ट सत्यम के ऑपोजिट में। मैं आपको दुकान दिखा देता हूँ, कभी आपका भी मन करे खाने का तो आप भी यहाँ पे आके आप खा सकते हैं, बड़ी ही मज़ेदार है मलाई चाप, मुझे तो बड़ी पसंद है। दिखाता हूँ मैं आपको दुकान, तो ये शॉप है जस्ट सत्यम के ऑपोजिट है, बहुत टेस्टी बनाता है मलाई चाप, कभी आपका मन करे तो आप भी आके यहाँ पे टेस्ट करना। मुझे ना इनकी चाप इतनी पसंद है, मैं हर महीने आता हूँ इनके पास खाने के लिए, कसम से बहुत अच्छी है। इनके पास हर तरह की वैरायटीज है, हर तरह की मलाई चाप है, मसाला चाप है, और भी कई तरह की चाप है। आप आओ खाओ और खुद देखो, आप मजा ना आ जाए तो कह देना, मेरा नाम बदल देना। अब मैं चिकन, नॉन वेज, अंडा वगैरह तो खाता नहीं, तो क्या ना, वेजिटेरियंस का ये प्रोटीन का सोर्स है, सोया हो गया, पनीर हो गया। सोयाबीन और पनीर मेरी फेवरेट है, फेवरेट। मेरा बचपन में पतीला भर के खा जाऊं, इतनी पसंद है मुझे। आती आती आती
ये देखो आज गाड़ी कौन चलाएगा, सिम्बा द ग्रेट। सर मुझे घर तक जाना है, घर छोड़ दोगे क्या? 100 रुपये लोगे घर छोड़ने के? OTP बताऊं? OTP है 1122 सिम्बा 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 द ग्रेट। क्या गलत OTP है? ओके, श्री सिम्बा जी द ग्रेट उर्फ सिम्बा जी द सिम्बा जी महान सिम्बा जी 112233। अब सही है? अब सिम्बा कह रहा है OTP सही है। सर बैठ जाऊं गाड़ी में? अच्छा आप सीट बेल्ट लगाते हो आप? अच्छा आपका लाइसेंस बना हुआ है सर? अच्छा लाइसेंस बन रखा है आपका? आपने भी 8-6-2 और बड़ी आसानी से बना दिया, क्या बात है। हैवी ड्राइवर है भैया आप, हैवी ड्राइवर हैं। बैठ दो पैसेंजर की सीट पे। तो गाइस सिम्बा भी मुझे घर छोड़ेगा, सिम्बा बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है, बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है। अब सिम्बा मुझे घर छोड़ेगा है ना? सर गियर कैसे डालते हैं? बंदर को देख के सिम्बा शुरू हो गया। चल पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो। बैठ जा आराम से। ये पता नहीं कितनी बार मैं ये लगवा चुका हूं, एक तो टूटू टूटू हो रही है। एक मिनट पहले इसको रोक दूं मैं। हाँ अब ठीक है। ये हनुमान जी पता नहीं मैं कितनी बार चिपका चुका हूं, लेकिन ये सिम्बा भाई साहब बार बार पता नहीं क्या दुश्मनी है इनको, बार बार तोड़ देते हैं और बार बार मुझे लगवाना पड़ता है। है भाई सिम्बा, तुझे हनुमान जी से डर नहीं लगता सिम्बा? सिम्बा ने ना अपना पट्टा चबा दिया, हार्नेस जो होती है सिम्बा की, तो सिम्बा ने अपनी हार्नेस चबा दी है भाई साहब ने। अब इनके लिए नई हार्नेस मंगवाई है, ऑर्डर कर दी है, क्योंकि दुकानों पे तो मिल नहीं रही, ऑनलाइन मंगवानी पड़ रही है। तो जैसी आती है फिर सिम्बा को हम पैदल लेकर जाया करेंगे वॉक पे। अभी तो सिम्बा को ऐसी गाड़ी पे करानी पड़ती है पोटी, है भाई। अभी सिम्बा को मैं पोटी कराने लाया था। सिम्बा सो गाइस कल मैं घर पहुंच चुका था। मुझे कल घर पहुंचने में बड़ी लेट हो गई थी, 12 बज चुके थे रात के। तो 12 बजे ना मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और एडिटिंग करनी थी, लेकिन एडिटिंग करने की हिम्मत नहीं हुई तो मैं सो गया। अब सुबह उठा हूँ, अब जाके एडिटिंग करूँगा कल वाले ब्लॉग की, तो वो आज डालूंगा, कल तो डाल नहीं पाया। और जो कल जो मैंने शूट किया था उसको मैं शाम को या फिर कल डालूंगा। ये देखो सिम्बा को गाड़ी में तसल्ली से ये बैठता ही नहीं है कभी भी। तो ये व्लॉग यहीं तक था, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय चैनल। और तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहो और मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो।